My precious friend, the Lord has a special blessing for you today. मेरे अनमोल मित्रों, परमेश्वर ने आज आपके लिए एक विशेष आशीष रखी है। The Lord says, if you believe, प्रभु कहता है अगर तुम विश्वास करो, you will receive what you ask for in prayer. तो प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे, तुम उसे पाओगे। There are many who desire, saying, "If only I could have these gifts." बहुत से हैं जो ये आकांक्षा रखते हैं, कहते हैं कि काश मुझे ये बातें मिल पाती। How wonderful it'll be if I have a promotion. कितना अच्छा होता अगर मुझे एक प्रमोशन मिलता। How wonderful it'll be if I get married. कितना अच्छा होता अगर मेरा विवाह हो जाता। How wonderful it'll be if I get admission in this program. कितना अद्भुत होता अगर मुझे इस कार्यक्रम में प्रवेश मिल जाता। But then the Lord says here, pray. लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते हैं प्रार्थना करो। Pray. प्रार्थना करो। Ask in prayer. प्रार्थना में मांगो। Do not just ask everybody thinking that person will provide for you. हर एक किसी को मत मांगो ये कहते हुए कि शायद वो व्यक्ति आपके लिए कुछ देगा। You must know it is your heavenly Father who has all the gifts to provide for you. For your life. आपको जानना है कि आपके जीवन के लिए हर एक आशीष देने के लिए केवल आपका स्वर्गीय पिता जो है सक्षम है। And he came in the form of a man, and his name was Jesus, who sacrificed himself for you to have every blessing in his name. और वो एक मानव रूप धर करके आए जिसका नाम था यीशु। उसने अपने आप को बलिदान किया ताकि आप उसके नाम में हर एक आशीषों को पाएं। So he says, ask anything in my name, the name of Jesus, because I have already paid the price for your blessing, for your gift. इसलिए वो कहता है कि तुम मेरे नाम से, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही कीमत चुकाई है, कुछ भी मांगो तुम्हारे आशीष के लिए वो होगा। The gift of God is free. परमेश्वर का अनुग्रह जो है, वरदान जो है, वो मुफ्त है। Yes, he has already paid the price through his sacrifice on the cross for you to have every good gift. हाँ, उसने पहले ही क्रूस के ऊपर में पहले उसके लिए कीमत चुकाई है ताकि आप और हर एक वरदान को मुफ्त में पाएं। So all that you have to do is to claim that free gift. इसलिए बस आपको इतना करना है, इस मुफ्त के दान के लिए बस दावा करना है। There was a little girl in the Middle East. मध्य पूर्व में एक छोटी लड़की थी। They were living in poverty. वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। Because they followed the Lord, they were under oppression. क्योंकि वे प्रभु के पीछे चलते थे, वो सताव में थे। And they had no one to give them gifts. और कोई नहीं था जो उन्हें कोई इनाम भी दे। So she was asked by her mother to pray. इसलिए उसकी माँ ने उससे कहा कि वो प्रार्थना करे। Saying, daughter, ask Jesus, and He will give you the gift for this Christmas. उसने कहा कि बेटी यीशु से प्रार्थना करो और इस क्रिसमस के लिए प्रभु तुम्हें इनाम देंगे। So she knelt and prayed. इसलिए उसने घुटने टेक कर प्रार्थना की। Jesus, give us a radio for our family. यीशु, हमारे परिवार के लिए हमें एक रेडियो दीजिए। We are cut off from the world. हम पूरे संसार से कटे हुए हैं। And give me this gift. और मुझे ये इनाम चाहिए। Now I am getting only old things from others. अभी तक मैं दूसरों से केवल पुरानी चीजें ही प्राप्त करती रही हूँ। I want my own gift. मुझे अपना खुद का इनाम चाहिए। And as she went to Sunday school. और जब वो संडे स्कूल में गई। That Sunday they had lot of gift boxes. उस रविवार के दिन वहाँ पर बहुत से इनाम के डिब्बे थे। Her name was called last. उसका नाम अंत में पुकारा गया। And she and her brother were given gift boxes. और उसे उसके भाई को इनाम के डिब्बे दिए। They ran home with the boxes. वे उन डिब्बों के साथ भागकर घर गए। Opened it. और उसे खोला। They had brand new gifts. और उनके पास बिल्कुल नए नए इनाम थे। And finally, there was a big box inside. और आखिर में सबसे अंदर एक बड़ा डिब्बा था। It was a little radio. और वो एक छोटा रेडियो था। A real radio. एक सचमुच का रेडियो। Which has come from a far distant country. जो कि एक बहुत दूर देश से आया था। Oh, she rejoiced. और वो खुश हो गई। Thanked God. ईश्वर का धन्यवाद for listening to her and being alive with her. कि उसने उसे सुना और उसके साथ साथ वो जीवित रहा। Yes, God is God. He is the God of billions of people. हाँ, वो तो परमेश्वर है, वो करोड़ों का परमेश्वर है। But He has given us His Holy Spirit to be in us. लेकिन उसने अपनी पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने दी है। To answer every prayer. जो हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है। And to believe that He will
answer our prayers. और यह विश्वास भी कि वो हमारी हर प्रार्थना का जवाब देगा. The Holy Spirit strengthens us to believe. पवित्र आत्मा विश्वास करने के लिए हमें बल देता है. So receive the Lord. इसलिए प्रभु को स्वीकारें. Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को ग्रहण करें. Make that your first prayer request. और यही अपना पहला प्रार्थना निवेदन बनाएं. Tell him Jesus. उससे कहें यीशु. Fill me with thy Holy Spirit. मुझे अपनी पवित्र आत्मा से आप भर दीजिए. He will come. वो आएगा. Then all your prayers will be answered by him. और उसके द्वारा आपके सारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा. Father, fill thy child with thy Holy Spirit. पिता अपने संतान को अपनी पवित्र आत्मा से भर दें. Let thy Holy Spirit answer all their prayers in the name of Jesus. आपका पवित्र आत्मा यीशु के नाम में उनकी हर एक प्रार्थना. Bless them with every blessing. उन्हें हर एक आशीष से आशीषित करें. आमीन. आमीन. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे.